नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आल इमित्र सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSO पोर्टल की एक बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों, अपडेट क्या है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी और आप अगर एक इमित्र धारक है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर 2020। मेरे सभी भाई जो इस चैनल से जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। दोस्तों, आप इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट इस साल भी बनाए रखना और उम्मीद करता हूं कि आप इस साल भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हर बार की तरह रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ही वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं SSO पोर्टल पर। आप इसे राजस्थान सिंगल साइन ऑन पोर्टल भी कह सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म राजस्थान सिंगल साइन ऑन है और आप इसे शॉर्ट में SSO कह सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं अब जो अपडेट आई है उसके बारे में। दोस्तों, अपडेट आई है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। यहाँ पर दोस्तों, जब भी आप किसी बंदे की SSO ID बनाते हैं तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हाल में ही यहाँ पर एक नया ऑप्शन और जोड़ा गया है और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर एक नया ऑप्शन जो है जन आधार का यहाँ पर ऑप्शन डाल दिया गया है। यानी कि अब आप जन आधार कार्ड नंबर से SSO ID बना सकते हैं काफ़ी आसान तरीके से। यहाँ पर पहले दोस्तों 5 ऑप्शन आते थे, वो ऑप्शन कौन कौन से आते थे वो बता देता हूँ। और फिलहाल भी 5 ऑप्शन है, यहाँ से सिर्फ एक ऑप्शन हटाया गया है और यहाँ पर जो हटाया गया है वो है ट्विटर का, यहाँ पर ऑप्शन आता था। यहाँ पर दोस्तों ये नया अपडेट है और आप इसकी सहायता से SSO ID बना सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको SSO ID कैसे बनानी है जन आधार से। दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा जन आधार ID, तो आपको अपनी जन आधार ID डाल देनी है, जो भी आपके पास हो वो डाल देनी है। तो मैंने अपनी जन आधार ID यहाँ पर डाल दी है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे परिवार के सभी सदस्यों की लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है और मेरा भी नाम यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों, आपको अपने नाम पर क्लिक करके यहाँ पर सेंड OTP कर लेना है। जैसा सेम भामाशाह में कार्य होता था वही सेम यहाँ पर होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल पर एक OTP चला गया है और उस OTP को डालने के बाद मेरी ID यहाँ पर बन जाएगी। दोस्तों, पहली अपडेट तो ये हो गई कि यहाँ पर जन आधार का ऑप्शन डाल दिया गया है रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन में। अब बात करते हैं कि अगला अपडेट जो क्या है SSO पोर्टल में ही है जो मुझे आज ही नजर आया है। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं दूसरे अपडेट की तरफ और बताते हैं कि दूसरा अपडेट क्या है। दोस्तों, अगर बात की जाए यहां पर दूसरा अपडेट क्या है, दोस्तों वो दूसरा अपडेट है अपडेट प्रोफाइल के अंदर। मैं आपको दिखाता हूं कि दूसरा अपडेट क्या है। दोस्तों, आपको अपनी अपडेट प्रोफाइल पर जाना है, चाहे तो आप यहां पर क्लिक करके जा सकते हैं, चाहे आप यहां पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहां पर दो ऑप्शन है अपडेट प्रोफाइल के, तो सिंपली आपको यहां पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों आप पहुंच जाते हैं इस वाले पेज पर। और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो दूसरा अपडेट है वो है यहां पर भी जन आधार का ऑप्शन आ चुका है। यानी कि आपको अपनी जो SSO ID है उसमें जन आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। अगर आप अप्रैल 2020 के बाद किसी प्रकार के योजना का लाभ लेते हैं SSO ID से, चाहे वो छात्रवृत्ति क्यों ना हो, आपको यहाँ पर जन आधार कार्ड अपडेट करवाना है। और फिलहाल यहाँ पर भामाशाह कार्ड का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भामाशाह का ऑप्शन है वो अप्रैल 2020 के बाद में से यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन रहने वाले हैं, पहला है आधार कार्ड और दूसरा जन आधार कार्ड का। दोस्तों, आप यहां पर अपना जन आधार कार्ड भी अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की दो बड़ी अपडेट SSO पोर्टल की। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।